ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है। आप ये जो नंबर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके नंबरों को दिखा दीजिए, ताकि लोग जो बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके माता पिता इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो यहाँ पर पहुँच सकें, इनसे बात कर सकें। एक और जहाँ शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा बिजनेस बन चुकी है, पढ़ाई बेची जा रही है, उसका सौदा किया जा रहा है, वहीं पर जब लिखा हुआ मिले फ्री फॉर ऑल, तो आप समझ लीजिए कि कोई तो कुछ अच्छा करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार अगर आप देखेंगे JKRCA एक ऐसा प्रोग्राम करवाने जा रही है, जिसे सुनने के बाद आप लोग ये सोचेंगे कि इसकी कितनी ज़रूरत थी और कितने बच्चे ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो। JKRCA एक प्रोग्राम कराने जा रही है, फ्री IAS JKS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसके तहत एक बेहतरीन मौका जो है जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को मिल पाएगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं। उन बच्चों को मौका मिलेगा जो दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, जो दिल्ली तक का सफ़र शायद नहीं कर सकते, उनकी तमन्ना उनके दिल में रह जाती है कि हम भी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते, या पैसे की परेशानी रहती है, या फिर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये एक परेशानी रहती है। तो जो लोग ये प्रोग्राम कराने जा रहे हैं उनसे जान लेते हैं कि पहले तो ये विचार कैसे बना कि ये प्रोग्राम कराना है और कितनी ज़रूरत थी, ये तो आप सब जानते हैं। श्याम जी, क्या प्लान कैसे बना कि ये प्रोग्राम करवाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत तो थी, बड़े सारे लोग और बच्चे जो हैं महरूम रहे हैं इन चीज़ों से। बेसिकली संसार जी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 6 अगस्त को 2023 को जहाँ पर गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 89 बच्चों जो एस्पायरेंट थे जी JKS के लिए, IPS के लिए, IAS के लिए जो एस्पायरेंट थे, उनको दिल्ली से कुछ एक्सपर्ट हमारे IAS ऑफिसर्स आए थे, और कुछ हमारे जम्मू के जो कुछ रिटायर्ड और कुछ एक्टिंग जो है जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने उनको पूरी गाइडेंस दी थी, पूरी काउंसलिंग उनके साथ की थी। और वहीं पर ये सवाल उभर के आया कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कोई आप व्यवस्था करो कि ताकि इंटरव्यू में हमारे जो बच्चे, बहुत से बच्चे हमारे रिटर्न तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में हमारे बच्चे रह जाते हैं, उनके लिए जो एक्सपर्ट यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से उनके जो है जज्बात वो दबाए रह जाते हैं, वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होता है, एक गरीब किसान का बेटा, गरीब आदमी जो दूर दराज गाँव में, लेकिन बच्चा उसका इंटेलिजेंट है, उस बच्चे को वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उसको इस चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस के अंदर, JKRCA के अंदर जो आया कि जहाँ पर उन बच्चों को सहूलत मिलनी चाहिए जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उनके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है वो जम्मू के अंदर होगा। और इसी के साथ 17 फरवरी को जहाँ पर, जहीं से सैटरडे को पहला जो पैनल है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी, और इस तरह का जो प्रोग्राम जो है माइंड, जो इसी तरह जो हमारे अंदर जो सोच आई, इसीलिए आई कि जो बच्चों के जो एस्पायरेंट थे उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, तो वो इसी के पैटर्न पर जहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा जो 17 तारीख को, और खुशखबरी की बात यह है कि सभी लोगों के लिए है, सभी युवाओं के लिए है जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, वो किसी भी जात से बिलोंग करता है, गरीब है तो, और किसी के जात से। दूसरी बात यह है कि फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आपको पता है कि जो एक्सपर्ट दिल्ली से लाने हो जहाँ पर कितना पैसा खर्च होता है, आप जानिए कि लोगों का दर्द जानते हुए, उन गरीबों का दर्द जानते हुए, गरीब कैंडिडेट का दर्द जानते हुए, ताकि वो बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है जम्मू के अंदर कंडक्ट किया जा रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, फ्री ऑफ कास्ट है। और सबसे खूबसूरती इस प्रोग्राम की ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल UPSC के एनवायरनमेंट जैसा होगा, उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा, 1-to-1 बच्चे के साथ होगी। और दूसरे जो एक्सपर्ट पैनल है वो दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट हैं वो भी आएंगे, और प्लस जो IAS ऑफिसर हमारे एक्टिंग हैं, सर्विंग हैं, और जो रिटायर्ड हैं उनकी भी सर्विसेज ली जाएंगी, ताकि हमारे बच्चों की ग्रूमिंग की जाए, 1-to-1 इंट्रैक्शन हो, एटिकेट्स उनके अंदर डेवलप किए जाएं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम है पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जहाँ पर होने जा रहा है। सवाल एक ये है कि लाखों रुपया इंस्टीट्यूट लेते हैं ये ट्रेनिंग देने के लिए, इन बच्चों को
मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, बड़े सारे नाम हैं, एडवर्टाइजमेंट पेपरों में आती है, उनके धंधे पर फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। देखो बात ये कि हमें उन गरीबों को देखना है, उन गरीब कैंडिडेट को देखना, बहुत सारे ऐसे हैं उनके तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाते, वो इन इंस्टीट्यूटों में भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी कुछ हमारे बच्चे हैं दूर दराज गांव में रहने वाले बच्चे जो हैं वो इतनी वो जम्मू के अंदर भी इतनी भी फीसें नहीं दे पाते हैं। तो उसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है जो स्टार्ट किया जाएगा, मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जो है MIP जो स्टार्ट किया जाएगा, और खूबसूरती ये रहेगी कि बिल्कुल UPSC के पैटर्न जैसा, बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट जैसा जहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और एक्सपर्ट दिल्ली से भी होंगे और जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड जो सर्विंग IAS ऑफिसर हैं वो भी इसमें पैनलिस्ट होंगे। ये कब तक चलेगा और हर हफ्ते होता रहेगा? ये जो प्रोग्राम है ये हर हफ्ते सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे को हर हफ्ते होगा, और जहां वो जब तक दिल्ली के अंदर जो बच्चों के इंटरव्यू नहीं होते ये तब तक ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, ये मतलब कुछ समय सीमित है? मार्च तक, ये मार्च तक ही वहां पर होते हो तो मार्च तक ये हमारा जो प्रोग्राम है हर साल रहेगा आपका? ये नहीं, अरे अभी तो हम 2023 का चल रहे हैं, 2023 के जो होंगे ना उसी को लेकर चले गए 2023 वाला, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है जो नेक्स्ट देखेंगे किस तरह का प्रोग्राम होता है। हाँ आगे देखो ये तो हो सकता है कि हम कोचिंग का भी स्टार्ट कर लें, कोशिश हमारी ये है कि कोचिंग का भी हो जाए, उसके बाद मॉक इंटरव्यू का भी हो जाए, प्रोग्राम का भी हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। बड़ी एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिली है, बड़े सारे प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जो नहीं होते, शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, जहाँ शिक्षा एक और धंधा बन गया है वहीं एक और ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को लाभ मिल सकता है जो IAS IPS बनना चाहते हैं, KS ऑफिसर बनना चाहते हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर गिरधारलाल थापा हूं और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट राइट्स का। बड़ी सारी संस्थाएं हैं, यूक्रेशिया ने ही ये स्टेप लिया है, ऐसा क्यों? हाँ इसके बहुत सारे कारण हैं लेकिन मेन कारण मैं आपसे शेयर करूं, जैसे अभी बसंत जी ने भी बताया कि हमने पिछले साल 6 अगस्त 2023 को एक कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस का प्रोग्राम रखा और वो प्रोग्राम जो है दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मेरा नियर अबाउट 89 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने वहाँ पे उस प्रोग्राम को अटेंड किया, और ये वो बच्चे बच्चियाँ थे जो इसके IAS IPS IFS या JKS के एस्पायरेंट्स थे या प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो हैं उनका ये क्वालिफाई करना चाहते थे। तो हमने ये शुरुआत की और उनको गाइडेंस देने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए हमने कुछ एक एक्सपर्ट जो हैं वो दिल्ली से मंगवाए। कोई लोग बच्चे संपर्क कैसे करेंगे आपके साथ, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ, कोई ऑनलाइन ऐसा पोर्टल है, कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू आपसे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल हमारा है, लेकिन हमने ये जो हमारा कुछ एक अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये शाया किए हुए हैं और ये जो हमारे पंपलेट अपना बनाया है, बैनर बनाया है, इसमें भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये दे के रखे हुए हैं, तो कोई भी बच्चा बच्ची या उनके पेरेंट्स जो है किसी भी नंबर पर अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचने वाली है। तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा था कि वो सारे लोग एस्पायरेंट्स थे तो 89 लोग वहाँ पे आ गए और पूरा दिन वो सेशन चलता रहा। उनके लिए एक्सपर्ट जो है वो दिल्ली से भी कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे और कुछ अभी एक्टिव सर्विस में IAS ऑफिसर थे और कुछ हमारे जम्मू में भी IAS और JKS ऑफिसर जो है वो लोग थे। एक मैं मेंशन करूं कि जैसे JKS टॉप करके रखा हुआ था वो बच्चा भी वहाँ पे आया था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर किए और उनको थोड़ा गाइड किया, काउंसलिंग की, और वो बच्चे जो हैं पूरा दिन जो है वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि JKRCA ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने फिर बाद में जाकर के हमें फीडबैक्स दिए और हर एक ने ये अपील की, हमें रिक्वेस्ट की कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं ये लगातार होने चाहिए और आने वाले वक्त में ये जो UPSC का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई करके रखा हुआ है, IAS है चाहे IFS है चाहे IPS है चाहे अलाइड सर्विसेज का है, उनके लिए क्या होता है कि बाद में इंटरव्यू देने की तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू तो होना है, और वो आज तक क्या होता था कि दिल्ली में जाते हैं लोग कोचिंग के लेने के लिए और वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम तो हम क्या लें उनका, लेकिन दिस इज नोन टू ऑल, वो वहाँ बहुत ज़्यादा फीसेज उनसे लेते हैं और सिर्फ फीसेज की बात नहीं, फिर पेरेंट्स कहीं रहते हैं, बच्चा बच्ची उनका वहाँ पता नहीं कैसे PG में रहता है, कैसे रहता है, ये भी असुविधाएँ जो हैं ये होती हैं। और फिर कुछ लोग वहाँ तो चलो चले जाते हैं जिनके पास है, पता नहीं मुश्किल से जाते हैं कैसे, लेकिन कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अभी भी ऐसी है
जो दूर दराज में है, उनका बच्चे बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, उसमें काबिलियत थी, उसने क्वालिफाई तो कर लिया। अब वो बेचारा बाटू टॉक ऑफ गोइंग टू दिल्ली, वो जम्मू नहीं आ सकता है बेचारे इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो उनके सबको ये सामने मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि जिकारसिया जो है इसमें एक इनिशिएटिव लेता है, लीड लेता है, वो और वो तमाम बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई करके रखा है और वो बेचारे बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल जो है वो इतने साउंड नहीं है, तो हमने ये रखा यहाँ पे कि हम ये फ्री ऑफ कास्ट जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। और फिर मज़ेदार बात इसमें यह है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं। ये एक सवाल मेरा है कि ये कैसे आया कि हर जाति हर धर्म का बच्चा कोई भी यहाँ आ सकता है, जबकि देश का माहौल इस वक्त कुछ और है। वहाँ पर ये चल रहा है कि जाति धर्मों को मांडा जा रहा है और आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हाँ, मैं इसमें यह ऐड करूँ कि हमारा जो जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस जो है, ये आपको मैं बता दूँ कि बहुत बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जी। और ये मैं ये भी कहता चलूँ कि दिस इज टोटली नॉन पॉलिटिकल, लिहाजा हमें सियासत से लेना देना नहीं है। तो उस लिहाज से बच्ची बच्चा वो किसी का भी हो तो है, तो हमारा मतलब वो कल को आने वाला ऑफिसर है, उसने देश को संभालना है, उसके कंधों पे देश का बोझ होगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने इसे फ्री ऑफ कास्ट और फ्री फॉर ऑल रखा है। एक सवाल ये है कि जिस वक्त नफरत का बाजार देश के अंदर गर्म है, उस दौर में ये एक ऐसी संस्था है JKRCA जो बच्चों को फ्री में मॉक टेस्ट का प्रोग्राम जो करवाने जा रहे हैं, इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं, वो फ्री में करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अशाम सर, ये बड़ी चीज़ है कि बिना जाति धर्म को देखे हुए हर बच्चे को आप प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। जिस दौर में नफ़रत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत दिलों में भरी जा रही है, उस दौर में आप एक प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से इस टेस्ट को करने के लिए आएंगे, ट्रेनिंग के लिए आएंगे, वो एक मैसेज भी लेकर के जाएंगे, कुछ सीख कर भी जाएंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है, उसका ये कारण है कि हम अंबेडकर शाहू फुले की विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं और हमारे महापुरुषों की, हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा हमेशा समतावादी रही है, विषमतावादी नहीं रही है। बाकी महापुरुषों की जो विचारधारा उनकी विषमतावादी थी, लेकिन हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है वो समतावादी रही है। उसी विचारधारा को आगे लेते हुए, उसी विचारधारा को लेते हमने सभी के लिए मतलब रखा है, हमारे लिए कोई भी वो किसी भी जम्मू जे के ड्यूटी का जो बच्चा है हमारे लिए सम्मान है, हम सभी के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम उनके नक्शे कदम नहीं, अपने महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं जी। एक बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब भी है कि बहुजन महापुरुषों ने कभी नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने जब भी लिखा, उनकी बाणियों को पढ़िए, उनकी गुरबानी को पढ़िए, चाहे गुरु रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, हमेशा मानवता की बात की है और मानवता की बात करते करते उसी मानवता की बात को अंबेडकर साहब आगे लेकर के आए। हमारे अब भी जो लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते हैं वो मानवता की बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ये साबित कर रहा है कि मानवता की बात करने वाले लोग मानवता के लिए सोच रहे हैं, चाहे लाख लोग धर्म के नाम पर लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हों, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो आज भी मानवता की बात कर रही हैं। और शिक्षा का दौर एक ऐसा आज चल रहा है जो बिजनेस बन चुकी है, उस दौर में लाखों रुपया लोग नहीं खर्च सकते अपने बच्चों के लिए। ऐसी संस्थाएं हैं जो अंबेडकर राइट्स हैं, अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच को लेकर चल रही हैं, वो आज भी मानवता और मानव के हक में खड़ी हैं और किसी तरीके से देश के हालात अच्छे हो सकें ऐसे प्रयास कर रही हैं। ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है। आप ये जो नंबर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके नंबरों को दिखा दीजिए ताकि लोग जो बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके माता पिता इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पर पहुँच सकें, इनसे बात कर सकें और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें, एक अच्छा शहरी बन सकें, एक अच्छा भारतीय और एक अच्छा देश का वो वासी बन सकें जिस देश की जिस देश को बनाने का प्रयास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।